इग्नोर हाउ आई लुक, बट अभी जस्ट जस्ट सेक्शन सिलेक्शन हुआ और भाई बहुत ख़राब हुआ मेरे साथ। तो सेक्शन सिलेक्शन में मैंने मतलब जो हम लोग का सेक्शन चाहिए था मैंने चूज़ कर लिया और पोर्टल क्लोज कर दिया, बट मुझे नहीं पता था कि सेक्शन चूज़ करने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद उसको सबमिट भी करना है। एंड मेरे को सब चीज़ें मिल गई थी जो चाहिए थी, बट मैंने सबमिट नहीं किया। मेरा नेट परफेक्ट चल रहा था, मेरी टाइमिंग परफेक्ट थी, बट मैंने सबमिट नहीं किया और मुझे सेक्शन नहीं मिला और मुझे 25 मिल गया है, जिसमें मेरे जान पहचान का अभी तक कोई भी नहीं है। तो ये सेमेस्टर बहुत बकवास हो सकता है मेरे लिए, कि दिस इज़ द फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें मेरे जान पहचान का एक आदमी भी नहीं है। अब हो सकता है क्लास जाने के बाद कोई मिल जाए, बट क्लोज वाला कोई भी नहीं है यार। फाक, अब मेरी जो दिमाग ख़राब हो रही है, मैं क्या बताऊँ यार, अब मैं करूँ क्या। अभी मैं सेकेंड ईयर वाला वीडियो शूट करने वाला था एंड थर्ड ईयर बर्बाद होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि भाई अगर सेमेस्टर अच्छा नहीं होगा, मतलब दोस्त अगर नहीं होंगे क्लास सेक्शन में, तो मेरा अटेंडेंस अच्छा नहीं होगा, अटेंडेंस अच्छा नहीं होगा तो ओवरऑल फक्ड अप है सब चीज़। सो गाइस, वेरी इनफॉर्मल स्टार्ट टू माय वीडियो, बट या फाइनली द डे हैज कम, हॉलीडे एंडेड। मेरे को लगता है अभी तक का सबसे बड़ा छुट्टी था ये, एंड फाइनली वापस जा रहे कॉलेज आज। भाई बिल्कुल भी मन नहीं यार, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कॉलेज, सच बता रहा हूँ, बट स्टिल वी हैव टू गो टू मोर ईयर्स। एंड बाय द वे, रांची का बेस्ट मौसम, बादल, ठंडी हवा आज ही मिल रहा है भाई। आज मैं बस बैठ के खिड़की के बगल में पीस इंजॉय कर रहा हूँ, कि ये पीस मुझे अब मिलेगी सीधा 4 से 5 महीने बाद। सो या यहाँ पे आवाज़ इतना इको हो रहा है कि अच्छे से ऑडियो नहीं आएगा। हम आ चुके हैं अपने नए घर पे। भाई कैमरे में बहुत बड़ा दिख रहा है यार घर, बट इस घर की हालत जो करके गया है, ये देखो ऑब्वियसली, ये घर घर जैसा लग नहीं रहा है, हमें इसे बनाना पड़ेगा। बाकी अभी मेरा रूममेट, अरे पैंट उतार दो, अब ये लाला तेंदू राजगुरु से राजीव हो चुका है, मादा बेंदू लाला तेंदू अब नहीं दिखेंगे वीडियो में। तो फिलहाल हम लोग को पूरा साफ करना पड़ेगा भाई, इस घर की हालत बहुत ही रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम लोग को हॉस्टल में थोड़ा मोटा सामान है, मेरा रूममेट अभी तक आया नहीं है, लाला तेंदू हॉस्टल वाला रूममेट, वहाँ से मेरे को जो बचा कुचा सामान है वो भी लाना है शायद, है नहीं तो बाकी सामान मेरा यहाँ रखा हुआ है कि ये। भाई इतना गंदा मैं कर रहा हूँ, मेरे को तो 2 बार उल्टी आया ना भाई। पकड़ अबे तो ठीक है ना, वहाँ पे गीला है ना, तुमको उसको तो सोखना ही है। आप देखो असली मेहनत इंजीनियर लोग भी करते हैं। भाई हटी नहीं रहा है, अबे कैसे हटेगा नहीं। कुछ बचा कुछ सामान लेने आया, नया रूममेट आ चुका है येलो का। I am finally leaving this hostel. Bye bye. कंटेंट आगे बिल्कुल। हट भाई, मेरे को गद्दा दिखाना वीडियो में, दिख नहीं रहा है। ये है हमारा ठीक गद्दा, देख रहे हो, एक हाथ जितना। गाड़ी नंबर, अरे नंबर ही नहीं है।
जैसे लगना चाहिए भाई। ओके भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो भाई, भाई का वीडियो डेब्यू। आज हम लोग निकले थे ड्राइव ईवी लेके और बैटरी खत्म हो गई है घर से 4 किलोमीटर दूर। ये है असली कॉलेज लाइफ, इसलिए हम लोग ने हॉस्टल छोड़ा था, सिर्फ यही यही तो एक्सपीरियंस कर रहा था हम लोग, है कि नहीं? वो भी लेग डे के बाद। हाँ, आज लेग पा रहा है, देखो कम लेग डे मार के हम लोग ने सोचा एक बत्ती बैटरी बची है, चलो चलो चलते हैं, और ख़त्म हो गई। और कहाँ ख़त्म हुई? घर से सबसे एकदम दूर आकर जहाँ तक हम लोग आना था, जस्ट वहाँ पहुँच के चौक में साइंस का यूज़ करते हुए हम लोग ने मोटर को रिवर्स रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी वापस ला दी है, जिससे एटलीस्ट हमारी स्कूटी जान आ चुकी है। एंड यहाँ से बस हमारा घर 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ से घर बस 1 किलोमीटर दूर है। लड़कियाँ सोच रही मैं उन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहाँ है भाई ये लोग? दम कहाँ हो? Okay, so guys, thank you so much for watching the video. अभी क्लास आए, दोपहर का नाश्ता बनाते हुए, मतलब भाई खाना बनाते हुए, एंड बड़ा बढ़िया मौसम है एंड हम लोग ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं घर के अंदर। हम लोग का इंडक्शन चूल्हा सिलेंडर पंखा बाकी, वेल आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी शाम में एक और इलेक्टिव वाली क्लास बची है, टोटल हमारी क्लास हो रही है सुबह 8 से दोपहर के 2, फिर शाम में कोई एक इलेक्टिव जो कि 3 से 4 या फिर 4 से 5 होता है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट।